चलो भाई फटाफट से जागते हैं एंड फटाफट से रेडी हो जाते हैं। यार आज मेरे को भाई साइमन की दुकान पे जाना है मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। भाई मैंने पेमेंट ऑलरेडी कर दी है उस गाड़ी की, वो गाड़ी है पूरे 10 करोड़ की। एंड ये गाड़ी भाई पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होगी, और सिर्फ लॉस सैंटोस ही नहीं भाई, आजू बाजू के नॉर्थ यंगडन, कैवोपेरी को, हर जगह जितने भी जगह कंपेयर करो भाई किसी के पास भी अवेलेबल नहीं थी ये गाड़ी। यहाँ तक कि लॉस सैंटोस में ही किसी और शोरूम में नहीं है ये गाड़ी, सिर्फ साइमन ने मेरे कहने पर स्पेशली इस गाड़ी को मंगवाया है एंड 10 करोड़ के लगभग की पड़ी ये अपने को। और उसी ब्रांड न्यू गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए मैं जा रहा हूं आज साइमन के शोरूम। चलो चलो फटाफट चलते हैं यार, फटाफट कपड़े पहनते हैं, रेडी होते हैं। अरे ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है यार, बढ़िया से तैयार होके जाना तो बनता ही है, इसलिए मैंने कोट वोट सूट बूट सब पहन लिया है एंड नाउ आई एम रेडी। तो निकलते हैं हम फटाफट। 10 करोड़ की गाड़ी की डिलीवरी ले रहा हूँ मैं, 10 करोड़ की, पूरे लॉस सैंटोस में मेरे अलावा किसी के पास भी नहीं होगी वो गाड़ी, ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है भाई। फटाफट से अपनी बाइक को निकालते हैं एंड निकलते हैं साइमन के शोरूम की तरफ अपनी नई गाड़ी को लाने के लिए। भाई मजा ही आ जाएगा उस गाड़ी को भाई, मैं हर जगह चमकाता फिरूंगा, लॉस सैंटोस के अलग अलग बंदों के यहाँ जाऊंगा, उनको चमकाऊंगा कि देखो भाई पूरे लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं है ये गाड़ी जो कि मेरे पास है। इस तरीके से भाई बहुत बुरी तरीके से मैं सबको जलाने वाला हूँ, मजा ही आ जाएगा। चलो देखो लॉस सैंटोस में वैसे काफी सारे अमीर बंदे रहते हैं, एक से एक अमीर बंदे रहते हैं। एंड तुम लोग सोचोगे कि भाई उन बंदों के पास ये गाड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा रेयर है यार लॉस सैंटोस या फिर लॉस सैंटोस के आजू बाजू जितनी भी जगह पड़ती है भाई किसी भी जगह पर ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है एंड कहीं बाहर भी अवेलेबल नहीं थी। वो तो साइमन से अपनी जान पहचान है एंड साइमन ने कुछ तो जुगाड़ लगा के भाई मंगवा दिया मेरे लिए ये गाड़ी। बस अब चलते हैं साइमन के शोरूम की तरफ। अरे किधर गया उसका शोरूम, हाँ आगे से आगे राइट लेना है। अरे यार एक तो इसके शोरूम की लोकेशन भूल जाता हूँ, आगे से राइट नहीं आगे से लेफ्ट लेना है। चलो साइमन साइमन मेरे दोस्त मेरे भाई लेके आ गया है तो गाड़ी। ओ बढ़िया लग रही है भाई, इसकी हेडलाइट्स तो देखो, इसके पीछे का लुक तो देखो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। भाई साइमन पेमेंट तो मैंने तुझे ऑलरेडी कर दी थी एंड अब ये गाड़ी मैं लेके जा सकता हूँ क्या? पेमेंट चेक कर रहा है अबे, पेमेंट क्या चेक कर रहा है भाई, पेमेंट कर तो दी थी लास्ट टाइम। अबे पेमेंट दी थी तभी तो तूने मेरे लिए ये गाड़ी मंगवाई, क्या मना कर रहा है। ओए पेमेंट दे दिए फ्रैंकलिन ग्लिंडन नाम से, चेक कर। ओके दे दिए गाइस पेमेंट, इसे पता भी चल गया एंड अब इस गाड़ी का ओनर मैं हूँ, पूरे लॉस सैंटोस में इकलौता मैं ही बंदा हूँ जिसके पास इतनी लग्जूरियस गाड़ी है। चलो भाई साइमन जरा ये बाइक जो है मेरे घर पे भिजवा दो, ठीक है? थैंक यू फॉर दिस ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल लवली मशीन, ब्रांड न्यू लवली कार। ओके क्या मस्त चल रही है भाई, ओ एग्जॉस्ट देखो पहले तुम लोग, हर गाड़ी में कहीं लेफ्ट में कहीं राइट में एग्जॉस्ट होता है बट इसका बीचों बीच है ये देखो भाई, और एग्जॉस्ट का बर्स्ट देखो कितना बढ़िया है, ये देखो स्पीड 250 के लगभग है हाईवे के ऊपर, जबकि मैं फुल रेस दे भी नहीं रहा भाई, एक्सलरेट पूरा कर भी नहीं रहा मैं, तब 250 जा रही है। अब सोचो अगर मैं इसको सीरियस लेवल पे एक्सलरेट करने लग जाऊँ क्या होगी भाई गाड़ी की स्पीड, तुम लोग सोच ही सकते हो। ओहो क्या अलग नहीं लग रही यार, जरा एक बार हाईवे की सड़कों पे देखो, दूर से ही ये गाड़ी चमक जाए, दूर से ही। नॉर्मल बंदे हमर वगैरह लेके घूमते हैं लेकिन मैं लेके घूमता हूँ 10 करोड़ की ये ब्रांड न्यू कार। अरे भाई साइड में ऑरेंज कार पीछे, ओ क्या कर रहा है बे, अबे नई नवेली गाड़ी पे स्क्रैच ला दिया इन नालायकों ने। फटाफट से इसको फुल स्पीड में भगाते हैं एंड अपने घर की तरफ लेकर निकलते हैं, वरना पता चला यार ब्रांड न्यू गाड़ी में इधर उधर ठोक दूं, क्योंकि देख रहे हो ये हाईवे पर बंदे गाड़ियां कैसे चलाते हैं, ढंग से चलानी नहीं आती है किसी को भी, बीच में कभी भी लेफ्ट कभी भी राइट मोड़ लेते हैं ये लोग, ढंग से चलाओ यार ढंग से प्लीज, क्या कर रहे हो तुम लोग, आराम से चलाओ, जल्दबाजी किस बात की है, मेरी गाड़ी नई है 10 करोड़ की है, स्क्रैचेज आएंगे तुम्हें पता है कितना लॉस होगा मेरा। वेलकम बैक टू द हाउस, आ गए हैं और इसकी हैंडलिंग की भी टेस्टिंग की भाई मैंने, बहुत ही स्मूथ हैंडलिंग है, बहुत इजी हैंडलिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग है। यस लिटरली मैं भाई अब तक जितनी भी सुपर कार्स स्पोर्ट्स कार मैंने चलाई हैं सबसे तगड़ी हैंडलिंग है। वैसे मैं बता दूँ ये एक सुपर कार है
एंड पूरे लॉस सैंटोस में जब इकलौती मेरे पास हुई ये गाड़ी, क्या अलग सी फीलिंग आती है यार। कोई भी बंदा देखेगा पूछेगा भाई ये कौन सी गाड़ी है, क्या बताऊंगा मैं उसे कि भाई पूरे लॉस सैंटोस में ये मेरी गाड़ी है। और शायद भाई तू ये पहली बार मेरी जिंदगी में देख रहा होगा ऐसी गाड़ी। खैर जो भी, इसको गाड़ी को पार्क कर देते हैं यार, बाहर छोड़ना अच्छा नहीं। लेकिन नहीं, बाहर छोड़ना क्यों नहीं अच्छा है भाई, जरा बाहर रखते हैं। 10 करोड़ की गाड़ी है, तभी तो लोग देखेंगे कि यस मैं हूँ वो बंदा जिसने पूरे लॉस सैंटोस में इकलौती 10 करोड़ की गाड़ी खरीदी है। इसे बाहर ही छोड़ देते हैं, थोड़ा खाना वाना खा के आते हैं, भूख लगी है। फिर उसके बाद चलेंगे भाई फुल इसकी टेस्टिंग करने, कितनी फास्ट जा सकती है, बाकी गाड़ियों से रेस वेस लगाएंगे, मजे करेंगे। क्या खाया जाए, क्या बनाया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बर्गर, पिज्जा, पास्ता, क्या क्या बनाऊँ आखिरकार, मैं क्या बनाऊँ। इतनी बढ़िया गाड़ी खरीद कर आया हूँ, इसकी खुशी में पार्टी तो बनती है यार। अपने दोस्तों को बुला लूँ क्या, माइकल, लेस्टर, ट्रेवर, यार बुलाना बनता है, सबको बुलाना बनता है। उनको भी तो थोड़ा जलाऊंगा यार, उनको भी तो चमकाऊंगा कि ये देखो माइकल बड़ा घूमता फिरता है ना भाई, सबसे बढ़िया अमीर बंदा, सबसे तगड़ा गाड़ियों का शोरूम जिसके पास है, माइकल को बुला के उसको जलाऊंगा। देख भाई माइकल, तेरे पास है क्या इतनी बढ़िया लग्जरी गाड़ी। भाई माइकल भी एकदम बेहोशी हो जाने वाला है। इसे बाहर से कोई बुला रहा है यार, कौन है भाई, लगता है मेरी गाड़ी देख के कोई इसके संग सेल्फी लेने की परमिशन मांग रहा है। अरे भाई ले 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 सेल्फी ले ले, मैं ऐसा कुछ घमंडी टाइप का बंदा नहीं हूँ, तो ले ले भाई सेल्फी ले ले। पुलिस वाले, हेलो एक्सक्यूज मी सर, एनी प्रॉब्लम? हेलो, हाँ मेरा नाम ही फ्रैंकलिन क्लिंटन है। हाँ ये मेरी गाड़ी है, क्यों कुछ दिक्कत है क्या, गाड़ी इलीगल है? अभी ये पुलिस वाला क्या बोल रहा है भाई, गाड़ी तुम्हारी इलीगल है। इलीगल कैसे सर, मैंने पैसे दिए पूरे 10 करोड़, अगर मान लो ये इलीगल भी हुई तो साइमन फंसना चाहिए, मैं क्यों फंसूं, वो लाया है गाड़ी दूसरी जगह से। गाड़ी इलीगल है और पुलिस वाले इसे ले जा रहे हैं। सर नहीं सर, मेरी 10 करोड़ की गाड़ी है सर, नहीं सर प्लीज, सर प्लीज मेरी बात समझो सर, इलीगल नहीं हो सकती। साइमन कौन सा, एक दो दिन में लेकर आ गया है, काफी दिन लगे हैं उसे इस गाड़ी को लाने में, और बहुत पहले ही पेमेंट ले ली थी उसने। सर साइमन मतलब मानता वो चोरी की गाड़ियां भी बेचता है, लेकिन ये ब्रांड न्यू गाड़ी है सर, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा सर, ये नहीं है इलीगल कार सर प्लीज। अरे यार ये तो मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं भाई गाड़ी सीज होगी, मतलब सीज होगी, बात खत्म। अरे सर ऐसे कैसे बात खत्म सर, मेरी ब्रांड न्यू कार है सर, ऐसा मत करो सर प्लीज 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 सर प्लीज। भाई नहीं मान रहे ये बंदे तो, सर प्लीज प्लीज सर, मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी, अभी मैंने टेस्टिंग भी नहीं की है ढंग से इसकी, मैंने ड्राइविंग भी नहीं की है सर, सर प्लीज सर नहीं। अरे मेरी गाड़ी ले गया वो पुलिस वाला, ले गया यार मेरी गाड़ी। सर सर मेरी गाड़ी की कोई गलती नहीं है सर, इलीगल नहीं है वो सर, आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा। ओके गाइस, ये पुलिस वाले तो जा रहे हैं भाई, मैं भी जा रहा हूँ भाई पुलिस स्टेशन, मैं भी जा रहा हूँ यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है इन लोगों ने मेरे संग, बताया यार मेरी नई ब्रांड न्यू कार ले गए भाई, कोई बात होती है ये। पुलिस वाले यार मेरी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन गए, मैं एक काम करता हूँ मैं भी जाता हूँ पुलिस स्टेशन भाई, यस जाके उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि सर गाड़ी इलीगल नहीं है प्लीज दे दो। ओ लो भाई साइमन आ गया मेरी बाइक लेके, साइमन भाई बिल्कुल सही टाइम पे आया है, मेरी गाड़ी कहाँ गई ये पूछ रहा है तू। अबे मेरी गाड़ी भाई पुलिस वाले, अबे हाँ एक बात बता, वो गाड़ी किसी तरीके से लीगल थी या फिर तू पूरा लीगल वे में लेकर आया था उस गाड़ी को? ये तो कह रहा है भाई फुल एकदम लीगल वे में लेकर आया ये गाड़ी को, तो फिर पुलिस वाले मेरी गाड़ी कैसे लेके चले गए? रुको भाई चलते हैं पुलिस स्टेशन और सारी बात पता करते हैं आखिर में प्रॉब्लम क्या है मेरी गाड़ी से इन पुलिस वालों को। चलो 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 भाई फटाफट से निकलते हैं पुलिस स्टेशन। आ गया भाई आ गया पुलिस स्टेशन आ गया, मैं अभी इन पुलिस वालों से सारी सच्चाई पता करता हूँ क्यों मेरी गाड़ी सीज कर रखी है। सर ये जो भी गाड़ी सीज होती है कहाँ रखते हो आप लोग? इधर पार्किंग में। ओके मेरी गाड़ी इधर ही होगी फिर। अरे गेट वेट कैसे खुलता है ये? ओके ओपन हो गया, यस मेरी गाड़ी यहीं पर है। चलो भाई पुलिस वालों से अभी जाकर पूछता हूँ। ओके लेट्स गो। सर ये आप कह रहे हो कि लीगल है मेरी गाड़ी? सर मैंने जिससे गाड़ी खरीदी है उससे मैंने पूछा, हजार बार पूछा सर, वो कह रहा है कि फुल्ली एकदम लीगल वे में वो लाया मेरी गाड़ी, एंड कुछ भी गलत नहीं किया उसने गाड़ी का। सर फिर मेरी गाड़ी क्यों पकड़ रखी है आप, जरा बताओगे प्रॉब्लम क्या है? अरे यार ये पुलिस वाला तो चिल्ला रहा है, कह रहा है इलीगल है मतलब इलीगल है, अब निकलो यहाँ से। ओहो मेरी किस्मत भी ऐसी है भाई, 10 करोड़ की गाड़ी खरीदी और वो 10 करोड़ की गाड़ी में एक दिन भी नहीं चला पाया, इन पुलिस वालों ने जब्त कर ली। फिलहाल ये पुलिस वाले मेरी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? रुको गाइस
ज़रा 2 मिनट इन पुलिस वालों की बात सुनने दो, शायद मेरी ही गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं ये दोनों। देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, रुको ज़रा सुनते हैं ध्यान से। ओके ओके ओके, अब सारा सीन समझ में आ रहा है, क्यों मेरी गाड़ी को इलीगल बताकर ये लोग लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। समझ गया मैं, सब कुछ समझ गया भाई साहब। ये लॉस सैंटोस के पुलिस वाले बहुत नालायक है, इनको तो पकड़ के पीट देना चाहिए भाई। मैं तुम लोगों को बताता हूँ रियल सीन क्या है। देखो भाई, ये लॉस सैंटोस का ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर कोई पुलिस का ऑफिसर है, उसको अपने बेटे को कुछ बर्थडे गिफ्ट देना था। एंड उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए, तो उसने बोला ये जो रेयर कार है ना भाई मेरी वाली, ये रेयर कार चाहिए। वैसे हाँ एक सेकंड, मैंने तुम लोगों को इस गाड़ी का नाम नहीं बताया ना भाई अभी तक। इस गाड़ी का नाम है वैसे वर्ल्ड एरर, काफ़ी अजीब सा नाम है। तो उस पुलिस ऑफिसर के बेटे ने अपने बाप से कहा कि मुझे वर्ल्ड एरर वाली गाड़ी चाहिए जो कि बहुत रेयर है। तो वो पुलिस वाला ढूंढ रहा होगा, लेकिन तभी उसे पता चला कि लॉस सैंटोस में वर्ल्ड एरर वाली जो गाड़ी है वो सिर्फ एक बंदे के पास है, और वो बंदा हूँ मैं। जैसे उसे ये पता चला, उसने अपनी पुलिस फोर्स भेज दी एंड ये कह दिया मेरी गाड़ी को कि भाई ये गाड़ी इलीगल है, एंड पुलिस वाले ले जा रहे हैं। अब पुलिस वाले लेकर चले गए इस गाड़ी को। अब वो जो ऑफिसर है वो मेरी वाली जो गाड़ी जब्त कर ली है इन लोगों ने, ये ले जाएगा एंड अपने बेटे को गिफ्ट दे देगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मेरी गाड़ी लेके चले गए यार। अरे भाई इतनी पसंद थी, अगर तुझे गिफ्ट ही देना था तो भाई खरीद लेता, मेर से खरीद लेता, साइमन से खरीद लेता, या फिर कहीं और से खरीद लेता। मेरी गाड़ी को इस तरीके से लूटने की क्या जरूरत थी, इलीगल बता के बताओ यार। ले गए पुलिस वाले मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी और उसे खुद रख लेंगे, खुद के बेटे को वो गिफ्ट कर देगा, मेरे 10 करोड़ तो गए ना। यार कुछ करना पड़ेगा भाई, मुझे इन पुलिस वालों से बदला लेना है, ये बहुत ही ज्यादा गलत किया है मेरे संग इन लोगों ने। वो तो मेरे को सच्चाई पता चल गई भाई, वो मैंने छुपके सुन लिया, वरना तो मेरे को यही लगता कि भाई साइमन कुछ इलीगल वे से लाया है इसलिए पुलिस वाले पकड़ के ले गए। ऐसा तो कुछ सीन नहीं है, उनको वो गाड़ी चाहिए थी इसलिए झूठ मूठ का कह दिया कि हाँ इलीगल है तुम्हारी गाड़ी और ले गए बस। गुस्सा आ रही है मुझे बहुत ज्यादा, क्या करूँ मैं छोड़ूंगा नहीं भाई पुलिस वालों को, लेकिन क्या कर सकता हूँ। अब तो मेरे को ये लेस्टर ही बताएगा। यस गाइस, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसके पास है वो है अपना लेस्टर। फटाफट से अब लेस्टर के पास निकलता हूँ मैं, वही बताएगा कि आखिरकार अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, पुलिस वालों पर उल्टा केस कर देना चाहिए या फिर अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन से चुरा के भाग लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब तो भाई जो भी डिसीजन है, जो भी ओपिनियन है, वो तो अब लेस्टर ही बताएगा। चलते हैं लेस्टर के पास, बस पहुंचने ही वाले हैं, अगली वाली गली में तो घर है इसका। लेस्टर भाई हेल्प कर मेरी, पुलिस वाले मेरी 10 करोड़ की गाड़ी ले गए यार। लेस्टर भाई यही गली है ना लेस्टर की, हाँ यही तो है। लेस्टर भाई अबे कहाँ गया यार, लेस्टर भाई कहाँ गया लेस्टर भाई। ओ ये तो रहा, क्या कर रहा है, ये अखबार पढ़ रहा है। अबे अखबार छोड़ भाई, लेस्टर मेरे संग बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कैम हो गया यार। सुन भाई सुन, मैं तेरे को बिल्कुल शुरू से बताता हूँ। मैंने भाई वो जो सबसे महंगी एंड रेयर वाली गाड़ी नहीं आई है भाई, जिसका नाम वो वर्ल्ड एरर है, वो वाली गाड़ी भाई पूरे लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं थी, एंड आजू बाजू जितने भी आइलैंड्स है लॉस सैंटोस में वहाँ भी किसी के पास नहीं थी। तो साइमन से कह के मैंने बिल्कुल ही दूसरी जगह से उस गाड़ी को इम्पोर्ट करवाया, एंड पूरे 10 करोड़ की पड़ी मुझे वो गाड़ी। तो सिंपली आज ही मैंने उसकी डिलीवरी ली, एंड जैसे घर लेके पहुंचा भाई पुलिस वालों ने स्कैम कर दिया मेरे संग। पुलिस वालों के जो ऑफिसर है उसको अपने बेटे को वो गाड़ी गिफ्ट करनी थी, उसे वो मिल नहीं रही थी गाड़ी, उसे पता चला कि वैसी गाड़ी क्या वो वाली गाड़ी मेरे पास है। तो सिंपली भाई उसने मेरी गाड़ी को कहा कि ये तुम्हारी गाड़ी जो है इलीगल है, एंड मेरी गाड़ी ले गया यार। लेस्टर भाई कुछ कर, मुझे बदला लेना है पुलिस वालों से, छोड़ूंगा नहीं मैं अपनी गाड़ी का क्या करूं, मैं वापस छीन के लाऊं या फिर केस करूं, मुझे क्या करना चाहिए जरा बताएगा तू। अबे न्यूज़ ही पढ़ता रहेगा, हेल्प कर मेरी। भाई साहब इतना तगड़ा आइडिया बताया लेस्टर ने कि इसका तो गिटार बजाने का मन कर ही गया, मेरा भी साथ में गिटार बजाने का मन कर गया। सीरियसली मैं यार, मैं बहुत ज़्यादा दुखी एकदम परेशान आया था यहाँ पे, एंड लेस्टर ने इतना सॉलिड आइडिया बताया कि लेस्टर भाई देख गिटार मैं भी बजाऊंगा। खैर अभी छोड़, अभी तेरे आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ गाइस, लेस्टर ने आखिरकार आइडिया क्या बताया। लेस्टर ने बोला जैसे को तैसा,
जैसे भाई पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी हड़प ली, मैं उनकी गाड़ी हड़प लेता हूँ। एंड नाउ तुम लोग सोचोगे भाई पुलिस वालों की गाड़ी 30-40 लाख की आती है, मेरी 10 करोड़ की गाड़ी वो लोग लेकर चलेगा। आई नो, बट पुलिस वालों की मैं 30-40 लाख वाली गाड़ी नहीं चुराने वाला। लेस्टर ने पता लगाया गाइस, पुलिस वाले कोई 100 करोड़ की गाड़ी लेकर आए हैं। एंड अभी एक दो दिन ही हुआ है उनकी इस गाड़ी को, एंड पूरे 100 करोड़ की स्पेशल पुलिस कार है जिसके अंदर ऑटोमेटेड वेपन्स, तगड़ी तगड़ी गन्स एंड पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। तो ऐसी एक व्हीकल बनवाई है पुलिस वालों ने, एंड पुलिस वालों ने उसे संभाल कर रखा है, एंड उस व्हीकल की कीमत है 100 करोड़। तो लेस्टर कह रहा है वो तुम्हारी 10 करोड़ की गाड़ी ले गए, तुम उनकी 100 करोड़ की गाड़ी लेके आ जाओ, हिसाब बराबर। एंड बात रही पुलिस वाले अगर मेरे पास पहुंच गए तो सिंपली गाड़ी का कलर चेंज करवा दो, लुक चेंज करवा दो भाई, क्या ही पता चलेगा। उनसे कह दो फिर पुलिस वालों से कि भाई मेरी गाड़ी है। और लेस्टर ने भाई फेक पेपर्स वगैरह सब कुछ बनाने का भी जुगाड़ कर दिया है। मैं कह नहीं रहा भाई, किसी भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन चाहिए, लेस्टर इज वन एंड ओनली सॉल्यूशन। देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर दी, वरना मैं सोच रहा था कि या तो मैं केस वेस करूंगा पुलिस वालों पे, या तो फिर मैं पुलिस स्टेशन से अपनी गाड़ी चुरा लूंगा। बट यहाँ पर तो लेस्टर ने और भी तगड़ा आइडिया बता दिया कि अपनी गाड़ी चुराने की बजाय पुलिस वालों की गाड़ी चुरा लेते हैं। और मेरी गाड़ी तो वैसे भी सिर्फ 10 करोड़ की थी, वन ऑफ द रेयरेस्ट कार, बट पुलिस वालों की गाड़ी 100 करोड़ की है एंड मोस्ट रेयरेस्ट कार है वो। तो चलो फिर देर किस बात की, निकलते हैं। सबसे पहले अपना हुलिया वुलिया चेंज करना होगा, क्योंकि देखो यार पुलिस स्टेशन से गाड़ी चुराना कोई आसान चीज़ तो है नहीं, पकड़े गए तो बहुत बहुत ही ज़्यादा कुटाई होने वाली है। इसीलिए पहले हुलिया वुलिया चेंज करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, एंड देन निकलते हैं पुलिस स्टेशन पर रात के टाइम पे वो गाड़ी चुराने के लिए, क्योंकि रात का टाइम जो है सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि लॉस सैंटोस के काफ़ी सारे पुलिस वाले ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं, एंड जो ऑन ड्यूटी पुलिस वाले रहते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। तो ये एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है रात को अगर मैं पुलिस स्टेशन से गाड़ी चुराता हूँ। तो चलो फिर तैयारी करते हैं, रात को चलेंगे पुलिस स्टेशन उनकी गाड़ी चुराने के लिए। मैं चाहूँ तो अपनी भी गाड़ी चुरा के वापस ला सकता हूँ, बट नहीं, मेरी गाड़ी तो 10 करोड़ की थी, अब मैं उनकी 100 करोड़ की गाड़ी चुराऊंगा यार। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो। पहुंच गया। सबसे पहले तो जो फेस है वो चेंज करवाते हैं, मतलब फेस क्या ही चेंज होगा, जो मतलब अपना फेस का जो लुक है, जैसे बाल हो गए, बियर्ड हो गए, ये सब चेंज करवाते हैं, एंड देन फिर कुछ डिफरेंट अतरंगी से कपड़े पहन लेंगे। मामला शॉर्ट है, कोई नहीं पहचान पाएगा। ये है, यहाँ से नकली बाल खरीद लेते हैं, नकली दाढ़ी बनवा लेते हैं। भाई साहब इसने कैसे बाल बनवाए हैं, ब्रेडेड हेयर, ब्रेडेड बोलते हैं, थ्रेडेड बोलते हैं, जो भी हो। आंटी जी मेरे को भी बाल कटवाने हैं, हेलो बैठता हूँ। चलो भाई दाढ़ी वाड़ी बढ़िया से अलग सी नकली सी लगा दो, मैं बताता हूँ कौन सी वाली नकली। ओ ये बढ़िया है, या फिर ये बढ़िया है, ये फ्रेंच वाली बढ़िया लग रही है यार। चलो ये वैसे भी फ्री है, वेट व्हाट, फ्री सही है। आंटी फटाफट ओके बढ़िया, नकली दाढ़ी लग चुकी है, एंड अब बारी है नकली बाल की। नकली बाल, ओ ये ठीक है, या फिर को ऐसा कुछ डिज़ाइन, ये बढ़िया डिज़ाइन। चलो भाई। आंटी जी बाल का डिज़ाइन फटाफट से चेंज कर दो, एंड देन वी आर गुड टू गो। बहुत ही बढ़िया, मज़ा ही आ गया भाई, क्या लग रहा हूँ मैं, एकदम ही जोकर लग रहा हूँ मैं। I am the one and only Joker in the Los Santos. अब कपड़ों का लुक चाहिए एंड डिफरेंट लुक चाहिए, चलो वो सब भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बगल में ही है यहाँ पर सब अर्बन की शॉप जहाँ से मैं कपड़ों की शॉपिंग कर लूँगा। चलो कपड़े खरीदने में काफ़ी टाइम लग गया, बट मैंने एकदम डिफरेंट लुक सेलेक्ट किया है। पैंट देखो भाई, लोअर सस्ती सी खरीद लिया, ऊपर जैकेट, टी शर्ट, शूज़ डिफरेंट, एंड मुझे नहीं लगता कोई मेरे को पहचान सकता अब आराम से। एंड शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो हमें अभी से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं ऑब्वियसली अपनी बाइक तो लेके नहीं जाने वाला, तो अपनी बाइक को एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर ये पार्किंग है यहाँ पे लगा देता हूँ, एंड किसी और की व्हीकल लेके चला जाता हूँ, जैसे कि इसकी। चलो भाई चलो बहुत ही बढ़िया, एंड ज़रा चल के पुलिस वालों की गाड़ी उठा के लाते हैं यार। बहुत फालतू बोलते हैं ये पुलिस वाले, बताओ मेरी 10 करोड़ की गाड़ी ले गए, कोई बात नहीं पुलिस वालों भाइयों, तुम लोगों की अब मैं 100 करोड़ की गाड़ी के लेके जाऊँगा। सिंपल, लेट्स गो, चलते हैं फटाफट पुलिस स्टेशन। काफ़ी ब्यूटीफुल शाम हो रखी है भाई, ज़रा एक बार तुम लोग मौसम देखो, वेदर देखो, एंड टाइम देखो, क्या प्यारा सिनेरियो लग रहा है ये। एंड गाड़ी की सी पे हेडलाइट जला दूं मैं, ये देखो। अबे यार ये तो वॉलपेपर लेने लायक फ्रेम बन गया सीरियसली में भाई,
एंड इसी पे थोड़ी ड्रिफ्ट वाले व्हील स्मोक। ओ भाई साहब क्या लुक आ रहा है यार। चलो अभी थोड़ा और रात हो जाने देते हैं फिर चलेंगे अटैक करने। अटैक क्या मतलब अपनी गाड़ी लेने, अपनी नहीं मतलब पुलिस वालों की गाड़ी लेने। देखो भाई वेपन्स तो है मेरे पास, वेपन्स की तो कभी कमी रहती ही नहीं है। ओके 10:30 बज चुके हैं, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम, लेट्स गो, संडे का दिन है, चलते हैं। आ रहा हूँ भाई पुलिस वालों, आ रहा हूँ मैं। संडे का दिन नहीं संडे की रात है। ओके पुलिस वाले ऑलरेडी हैं यहाँ पे, यहाँ से तो नहीं जा सकता मैं। लेकिन हाँ गाड़ी कहाँ है, गाड़ी स्पेशल जगह पे रखी होगी शायद, इन दोनों में से एक पार्किंग में होगी ना। ओ नहीं 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 नहीं, आराम से किसी को शक नहीं होना चाहिए, आराम से। सर मैं कुछ कर ही नहीं रहा सर। अरे सर कॉफ़ी वॉफ़ी चाहिए सर, चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी। इसमें तो मेरी गाड़ी थी, उस वक्त देखा तो था मैंने, मैं अपनी गाड़ी तो लेने ही नहीं आया, मैं तो इन पुलिस वालों की गाड़ी लेने के लिए आया हूँ। इधर है क्या भाई, उन पुलिस वालों को कोई मतलब ही नहीं है, एक रैंडम बंदा इधर आके गैराजेस चेक कर रहा है और वो अपने में ही मस्त कॉफ़ी पीने में बिजी है। फिलहाल नहीं है यहाँ कुछ भी नहीं है, चलते हैं वापस फिर। कहाँ पर, फिर कहाँ पर गाड़ी होगी, हाँ इनके पीछे की तरफ भी तो पार्किंग है, मे बी वहाँ पर, इधर तो नहीं है। पुलिस वालों की स्पेशल कार, आई एम कमिंग फॉर यू। नहीं है यार पीछे भी यही एक पार्किंग थी बस, तो ये इधर की साइड कहीं, भाई पार्किंग तो वही थी भाई, एक इधर की तरफ भी गेट वेट है लेकिन यहाँ पर। ओ सॉरी सर, सॉरी सर एंड सॉरी मैडम। अबे फीमेल पुलिस वाली, ये कब हुआ, GD5 में फीमेल पुलिस वाली कहाँ थी। अरे छोड़ो यार मैं क्या इधर जेंडर देख रहा हूँ, फटाफट मेरे को 100 करोड़ वाली गाड़ी चाहिए। कहाँ रखी है पुलिस वालों ने यार, बहुत सारे पुलिस वाले हैं, तो गाड़ी कहाँ रखी है ये नहीं पता चल रहा है बिल्कुल भी। हेलो सर, हेलो। अरे यार ये तो शाम को और ज्यादा बढ़ गए हैं, लेस्टर ने तो कहा था रात को कम होते हैं पुलिस वाली, तो और ज्यादा बढ़ गए। सॉरी सर मैं तो जस्ट इधर घास पे बस चढ़ रहा था, क्या करूँ मैं, छत पे देखूँ क्या इनकी छत पे, लेकिन हो सकता है भाई कुछ भी हो सकते हैं ये पुलिस वाले हैं। सामने वाले होटल की छत पे जाता हूँ, वहाँ से दिख जाएगा भाई इनकी छत पे कोई गाड़ी है कि नहीं। हाँ डायरेक्ट छत पे जाने का रिस्क क्यों लेना है, इस वाले होटल की छत पे चढ़ते हैं। होटल की छत पे जाने की तरफ की कोई सीढ़ी है क्या भाई, अरे भाई सीढ़ी है क्या छत पे जाने के लिए, अरे लॉन्डो सीढ़ी वीढ़ी ना है क्या भाई, सीढ़ी ही नहीं है। ओ ये तो नहीं सीढ़ी नहीं है ये, व्हाट द हेल इज दिस भाई, कोई सीढ़ी ही नहीं है बंदे। ओ पाइप है, अरे यार बंदे इधर सो रहे हैं लेकिन सीढ़ियां नहीं है कोई। हटो अंकल जी, दूसरे होटल पे चढ़ते हैं। उस होटल की सीढ़ी ढूंढते मैं थक गया एंड मुझे उस होटल पर जाने का रास्ता नहीं मिला, बट इधर ये एक पार्किंग है, इधर जाने का रास्ता मिल गया। एंड जब मैं इधर चढ़ के देखता हूँ तो वो देखो सामने की तरफ तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है भाई, जस्ट राइट हियर एक गाड़ी नज़र आ रही है वाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में, मे बी दिस इज़ द कार वी आर लुकिंग फॉर, लग रहा है भाई यही है वो गाड़ी, मतलब पुलिस वालों ने जो इनकी 100 करोड़ वाली गाड़ी है उसे छत पे छुपा रखा है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अंदर। हेलो सर जी आई एम रियली वेरी सॉरी तुम्हारी ऐसी की तैसी, भागो 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 भागो, भागते रहो भागते रहो। ओ नहीं इधर थोड़ा है सीढ़ी पे जाने का रास्ता, इधर थोड़ा है। हेलो सर जी, हेलो सर जी मेरी गाड़ी लेके आ गए ना तुम लोग, अब देखो मैं तुम्हारी गाड़ी लेके कैसे भागता हूँ, मेरी 10 करोड़ की गाड़ी उठाए ना भाई, अब देखो अपनी गाड़ी से 10 गुना महंगी जो कि है 100 करोड़ की तुम लोगों की गाड़ी, वो लेके जाऊंगा मैं, बताओ क्या उखाड़ लोगे। चलो भाई ये रहा सीढ़ियों की तरफ रास्ता, मतलब सीढ़ियों की तरफ रास्ता क्या, सीढ़ियाँ छत की तरफ। चलो 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 चलो, आते रहो मेरे पीछे आते रहो तुम लोग, बजा दूंगा। अबे कहाँ है छत, अरे छत, ओ आ गए रूफ एक्सेस। एंड कहाँ से दिखी थी वो गाड़ी मुझे, वेट अ सेकंड, हाँ इस पार्किंग से दिखी थी, मतलब आ गया वो गाड़ी। यस ये तो रही भाई पुलिस वालों की स्पेशल 100 करोड़ की तगड़ी सी गाड़ी, ये तो मजा लग रही है भाई, इसकी हेडलाइट वाओ, ओ वाओ जंप भी भाई, क्या जंप किया इस गाड़ी ने छत पे से। 3 स्टार की पुलिस है, 3 स्टार की कोई लफड़े वाली बात नहीं है, भगा लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये गाड़ी क्या ब्यूटीफुल है यार, इसकी हेडलाइट कितनी ब्यूटीफुल है, LED हेडलाइट्स, वाओ 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 वाओ, मज़ा ही आ गया मज़ा ही आ गया। पीछे की टेल लाइट्स भी बहुत एपिक है, पीछे की गाड़ी आगे की गाड़ी हर तरफ से ये गाड़ी बेस्ट लुकिंग कार। पुलिस वाले हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मज़्दा है भाई मज़्दा, मज़्दा की कौन सी है अब ये पता करना पड़ेगा, आई गेस मज़्दा RX Vision GT है ये, इतना लंबा चौड़ा नाम।
हाँ मतलब जो भी है, लेकिन है ये मजदा ही, मजदा RX विजन GT यही होगी शायद, ये अलग तो रही है भाई लुक से। हटो 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 हटो, 3 स्टार की पुलिस है यार, 3 स्टार की पुलिस से तो पीछा छुड़ा लूंगा मैं। अबे यार कब से 3 स्टार कर रहा था ये, 3 स्टार 5 स्टार कब हो गए? नो 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 नो, 3 स्टार की बजाय 5 स्टार की पुलिस पीछे पड़ गई अब मेरे। कोई बात नहीं बेटा, भाग लूंगा मैं, भाग तो लूंगा तुम लोगों से आउटरन तो कर जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हारी गाड़ी मैं लेकर ही रहूंगा। मेरी 10 करोड़ की गाड़ी छीनी तुम लोगों ने, अब देखो पछताओगे क्यों किया तुम लोगों ने मेरे संग ऐसा। लेकिन हाँ, इन लोगों को क्या पता चलने वाला है कि मैं ले गया इनकी गाड़ी। ये सही है, चलो 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 चलो, नाइस 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 नाइस। एंड सबसे पहले गाइज इसका कलर हम लोग चेंज करवा देंगे, एंड इसका कलर मैं येल्लो रख दूंगा, ये मेरी पिछली वाली गाड़ी का कलर था। यस, मजदा RX विजन GT लेके निकलते हैं। अरे हाँ, इसके अंदर वेपन्स भी है ना भाई, क्योंकि पुलिस वालों की गाड़ी है ये, क्या वेपन्स है? ओके, इसके अंदर एक मशीन गन लगी है, ये देखो सामने वाली गाड़ी पे मैं गोलियां चला रहा हूँ, दिख रही है तुम लोगों को गोलियां चलती शायद? हाँ ये देखो, देखना भाई तुम लोग ध्यान से देखना, सामने गाड़ियाँ हैं, ये देखो गोली चला रहा हूँ मैं, इसलिए ये ब्लास्ट हो रही है भाई, रात का टाइम है इसलिए उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। बट अगर तुम लोग ये देखो ध्यान से फोकस करोगे सामने की तरफ, भाई वो पटाखे से फूट रहे हैं, वो पटाखे नहीं है एक्चुअली में इस गाड़ी के अंदर लगी हुई मशीन गन्स है, जो कि भाई अलग ही लेवल की तबाही मचाती हैं। भाई रहने दो, इतनी तबाही नहीं मचानी है वरना पुलिस वाले ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेट्स गो। अरे बस करो यार, एक गाड़ी तो चुराई है, बस 100 करोड़ की तो गाड़ी है, इतना कह रो रहे हो भाई, तुम लोग दूसरी ले आना। वैसे ये गाड़ी जो है रेस ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज़ हो जाती है, जैसे देखना बहुत ही जल्दी स्पीड पकड़ती है गाड़ी। जैसे अभी मैं इस हाईवे पर 0 से शुरू करूं, ओके 100 कितनी ज़्यादा जल्दी पहुंच गई है। ओके ओ भाई क्या कर रहा हूं मैं, ये निंजा की तरह गाड़ी को चला रहा हूं, दीवार पे चढ़ा रहा हूं मैं गाड़ी। ओके अब घूम फिर के उसी हाईवे पे आ गया क्या? अरे पुलिस वालों निकलने दो भाई, एक काम करना पड़ेगा, किसी टनल, किसी सीवर, किसी गुफा, ऐसी किसी जगह पे जाके छुपना पड़ेगा, तभी ये लोग पुलिस वाले मेरा पीछा छोड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ जाऊँ मैं, कोई आइडिया नहीं है। हाँ ये टनल है तो इसके पीछे पीछे ही चलते हैं, देखते हैं कहाँ छुप सकते हैं। कम ऑन प्लीज़ छोड़ दे यार पीछा, प्लीज़ पुलिस वालों भाइयों क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मेरा पीछा फटाफट। ओ भाई हेलीकॉप्टर भी आए हैं, छोड़ दे मेरा पीछा, कहाँ जाके छुपूँ मैं। ये देखो गोलियाँ चलती दिख रही हैं भाई तुम लोगों को, ये देखो गोलियाँ चला रहा हूँ मैं, तबाही मचा दूंगा तबाही, कोई सामने आ मत जाना, लेकिन कहाँ छुपूँ मैं इसे लेकर यार, 5 स्टार की पुलिस हो गई अब तो। जिधर मैं आ चुका हूँ इधर ना ही कोई सीवर है, ना ही कोई गुफा है, ना ही कोई टनल है, लॉस सैंटोस लगता है लेके जाना पड़ेगा भाई, उधर ही सीवर वगैरह टनल वगैरह है। चलो फिर निकलते हैं, वर्ल्ड फेमस सीवर, वर्ल्ड फेमस टनल की तरफ पहुँचने वाला हूँ मैं। अगर लॉस सैंटोस में कोई भी आलतू फालतू काम करता है, इन पुलिस वालों से बचना होता है, तो वो सिंपली इधर ही आके छुप जाता है, मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। बस 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 शांति से आगे बढ़ते चलो भाई, बढ़ते चनल टनल के अंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आ गया मैं इधर पता नहीं कहाँ, ओ हो, क्या था ये, छत पे गाड़ी चढ़ा दी थी गलती से, नाइस। बस गाइज अभी तक तुम लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। यस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इंस्टाग्राम एंड एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो बनता है। यस, अभी के अभी जाओ फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आगे चलते हैं, पानी आ गया यहाँ तो, थोड़ी सी और आगे चलते हैं एंड फिर रुक जाएंगे भाई। मुझे नहीं लगता यहाँ तक पुलिस वाले आ भी सकते हैं गलती से भी, कुछ ही देर में देखना भाई ये पुलिस वाले हमारा पीछा भी छोड़ देंगे। यहाँ से ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेफ्ट एंड हियर वी गो, बस आई गेस यहाँ तक ठीक है, यहीं छुप जाते हैं, यहाँ पे चलो, यहाँ पे आराम साइड में यहीं छुपे रहते हैं जब तक पुलिस वाले पीछा नहीं छोड़ देते मेरा। क्या लुक चेंज किया था भाई, कैसा लग रहा हूँ मैं, अजीब सा। छोड़ दे पीछा भाई, 5 स्टार देखो भाई, अब स्लोली ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब कुछ ही देर में पीछा छोड़ देंगे, और कुछ ही देर के पीछा छोड़ चुके हैं भाई पुलिस वाले। हार मान ली भाई मेरे सामने, और ले लो और छीन लो मेरी 10 करोड़ की गाड़ी, देखो क्या किया मैंने तुम लोगों के साथ। फिलहाल गाइस तुम लोगों को ये मज़्डा RX विजन GT कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर बताना, पुलिस वालों की बहुत तगड़ी गाड़ी है ये, 100 करोड़ की गाड़ी है ये, पता नहीं क्या ही है इसके अंदर। हाँ ये गन जो लगी है ना भाई, मे भी ये हो सकती है स्पेशल चीज, क्योंकि बहुत पावरफुल गन है, एक आधी सेकेंड में भाई गाड़ी सामने वाली ब्लास्ट हो जाती है इस बुलेट से, इस गन से, तो बहुत ही अच्छी गन है, मे बी इस वजह से 100 करोड़ होगा प्राइस। बट जो भी हो तुम लोगों को कैसी लगी ये गाड़ी कमेंट में जाकर जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय।